इस फेरोज खान ड्रामा अखाड़ा इज वर्थ वॉचिंग राइट नाउ? आप बताओ कि भाई ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? अब तक इसकी 14 एपिसोड आ चुकी है और यहां से हमें पता लगता है यार ये ड्रामे से तो काफी ऊपर है। अब ड्रामे से ऊपर सीरीज आती है, सीरीज से ऊपर फिल्म। तो भाई फिल्म को हम कहने से रहे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन इसको हम सीरीज जरूर कह सकते हैं। खाड़ा को आप ड्रामा कहिए मत, इसको आप सीरीज कह के देखिए, क्योंकि ये यार इतनी जबरदस्त, इतनी अच्छा स्क्रीन प्ले, इसका इतना अच्छा डायरेक्शन सिस्टम है कि 14 एपिसोड में भाईजान हमें बहुत ज्यादा मजा आया है। पहले मैं बात करते हैं फिरोज खान की बॉडी शॉडी की भाईजान। अगर आपको ये चीज नहीं पता यार, मैं आपको बताता हूँ, फिरोज खान एक रियल फाइटर है। जी हाँ जी, रियल फाइटर। किस तरह? वो रियल में ट्रेनिंग करते हैं। उनका एक दफा यार एयर वाइप पे इंटरव्यू भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यार मैं पाकिस्तान को चैंपियनशिप जितवाना चाहता हूं। अब मुझे याद नहीं है यार वो कौन सी फाइट थी, लेकिन यार वो रियल में वहां पे वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं काफी सालों से। तो भाई जन ये ड्रामा, उनसे अच्छी कास्टिंग यहाँ पे कोई भी नहीं हो सकती थी, और सबसे बेस्ट कास्टिंग की है इसके राइटर और डायरेक्टर को मैं जरूर कहना चाहूंगा यार, उन्होंने यार यहाँ पे मजा करा के रखा हुआ है। इसका जो स्क्रीन प्ले इतना टाइट है, इतना टाइट है कि भाई जन मजा आ जाता है। आप देखो काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे ऐसे ड्रामा होते हैं जिसमें हम आगे ट्रैक कर करके उसको पूरा देख जाते हैं, लेकिन ये ऐसा ड्रामा है। अभी मैं लास्ट में बात किया मैंने एक रिव्यू में अब्दुल्लापुर के देवदास, यार वो जिस तरह का ड्रामा है ना, क्योंकि उसकी और यहाँ पे जो डायरेक्टर और राइटर है बिल्कुल सेम है। दोनों ड्रामा में ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत कॉमन है, जो चीज हमें बहुत पसंद है यार कि कोई सीन बोर नहीं होता, किसी चीज को बहुत ज्यादा ड्रैग करके नहीं दिखाते, कोई ज्यादा डायलॉग्स को कुछ ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर देते जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो। पर जन एक्सपीरियंस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ ग्रीन एंटरटेनमेंट ने, इसके डायरेक्टर ने, इसके राइटर ने, और इसके स्क्रीन प्ले जिसने भी लिखा है, व्हाटएवर शायद राइटर ने या डायरेक्टर ने मिलकर लिखा होगा, भाईजन इन्होंने भाईजन मजा ही करा के रखा हुआ है। अगर इतनी स्टोरी अगर किसी इंडियन या पाकिस्तानी ड्रामास की होती ना, तो इंडियन 500 एपिसोड, पाकिस्तानी 40-50 एपिसोड बना चुके होते। मेरे ख्याल में यार ये इस टाइम वर्थ वॉच ड्रामा है, और ये आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, हर दो एपिसोड बाद ऐसा ट्विस्ट आता है कि यार हम कहते हैं यार ये क्या हो गया, बिल्कुल ड्रामे का रुख ही चेंज हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है वो ड्रामे की सबसे अच्छी चीज होती है। तो ये पूछना चाहूंगा यार, इस ड्रामे में आपका फेवरेट कौन है, कौन सा करेक्टर आपका फेवरेट है, या कौन सा सीन आपका फेवरेट था यार, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऑफिस बाय बाय। 14 एपिसोड में भाईजान मजा आया हुआ है इसका, और आने वाले दिनों में मजा आएगा। अगर